कितनी उम्र है आपकी? 19 साल। 19 साल में तो ये सब लड़कियों से दोस्ती करनी नहीं चाहिए, मतलब दोस्ती बहन के भाव से कर लो, तुम मेरी बहन हो, इस भाव से तो कर लेनी चाहिए। आप पाश्चर मानेंगे, 19 साल के जब हम थे और 20 साल के जब हम थे और 21 साल के जब हम थे, तब तक हम जानते ही नहीं थे कि स्त्री पुरुष क्या है, मतलब क्या होता है स्त्री पुरुष। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ। हमें ये नहीं पता था कि स्त्री पुरुष में ऐसा क्या होता है, कुछ भी पता नहीं था। कौन है, कहाँ से आते हैं? सिगरेट पीते हो आप? नहीं पीऊं। गुटखा? हाँ। शराब? नहीं पीऊं। आपके दोस्त तो सिगरेट पीते हैं? हाँ, वे तो पिए। पीते हैं ना? हाँ। तो जब आपके दोस्त सिगरेट पीते हैं तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो आपसे कहेंगे जरूर कि यार तू भी एक कस मार ले। अरे वे तो स्कूल में भी रख के लाए। तो स्कूल में भी पीते हैं? हाँ। फिर आपको देते हैं? नहीं दे। आपको बोलते नहीं तुम भी पियो? बोले तो सही पर मैं मना कर दूँ। और एक दो बार मना कर दो, बाकी 3 बार बोला तो? नहीं पीऊंगा। चौथी बार बोला तो? फिर भी नहीं पीऊंगा। और 6वीं बार बोला तो? अरे नहीं पीऊंगा। और 10वीं बार बोला तो? अरे जब केरो नहीं पीऊंगा। नहीं पीऊंगा। हाँ हाँ। क्यों नहीं पियोगे? ले राजपाल लिया तो एक सिगरेट आज पी लूं। उन्होंने तो कभी नहीं पिलाई, पर ये गुरुजी पिला के ही मानेगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार आप। तुम अपनी पत्नी को मारते हो? बहुत मारा जी, बाल तक उखाड़ लिए इनने। क्या मेरी जिंदगी बच्चों के खाते जी रही हूँ? 4 बेटे। चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए बताओ? चाय पीने के नुकसान क्या? हमें पता नहीं है इसलिए। देखो चाय में पत्ती होती है, चाय पत्ती। चाय पत्ती एक प्रकार की औषधि है। चाय पत्ती में जब आप दूध डालते हैं तो चाय पत्ती के संपर्क में जब दूध आता है तो दूध का गुण बदल जाता है और बदल करके वो पॉइजन हो जाता है, जहर बन जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि चाय पीने वालों को नशा होने लग जाता है। चाय नहीं मिलेगी तब तक वो बेचैन रहते हैं। चाय पीने वाले को चाय ना मिले ना तो पागल सा हो जाता है। अब बताओ ये पागलपन नशा है या नहीं? आई लव यू मत खेलिएगा। यदि आई लव यू खेलने लग गए तो फिर आपका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। रावण ने पराई स्त्रियों को देखना स्टार्ट कर दिया, सर्वनाश हुआ कि नहीं? इतिहास से जो सबक नहीं लेता वो सबसे मूर्ख होता है, और जो इतिहास से सबक लेकर अपने चरित्र को, अपने जीवन को सवार ले, सही रास्ते पर ले जाए, समझदार होता। शादी हो गई आपकी? नहीं। क्यों नहीं करी शादी? अब नहीं करूंगा। मन नहीं है शादी करने का? नहीं। कोई पसंद हो तो बताओ। आप पसंद हो? अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं सारी जिंदगी, मेरे भैया भाई। अभी तो भैया है, कल तो भौजाई आएगी तो वही आपका हाथ पकड़ के बाहर करेगी, चल फिर। भैया बोलता रखेंगे तुम? भैया सब बोलते हैं सही, भौजाई आने तो भैया तो फिर ठीक हो जाएंगे तब। इसलिए तो हम एनजीओ भी चलाना चाहते हैं गरीब बच्चों के लिए, तो कान्हा जी के लिए ही हम अपना जीवन समर्पित। शादी कर लो फिर पति के साथ, एनजीओ चलाने का पति रोकेगा? कैसे मिलेगा पति? हो सकता बहुत अच्छा मिले। निगेटिव भी क्यों सोचना, पॉजिटिव भी सोच लो, हो सकता बहुत अच्छा मिल जाए। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ एक ही है। हाँ जी हाँ जी। फिर ठीक है, तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं। भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। हाँ बाहर के लोगों की बातों में आ गई और उनकी शादी करा दी, उनके यहाँ 9वीं लगने वाली थी। अच्छा तो ये पुरानी सोच लेके कब तक चलेंगे? अभी भी पापा यही सोचते हैं कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती। बात कराइए आपके पापा से, मेरा दे ऐसी कोई सोच नहीं मेरी। तो 2-4-10 दिन यदि आप आगे बढ़ा दे तो उस कार्यक्रम को बेटी की नौकरी लग जाती, तो उसमें क्या? ऐसा कुछ नहीं था, वो टेस्ट देने गई थी, टेस्ट फेल हो गई थी। फेल हो गई थी?